दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। बीडी शुरू जो है करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपने देखा प्राथमिक विद्यालय जो बंद होने कगार में है। एक बार बताइए 3551 स्कूलों में मात्र जो है 50 छात्र भी नहीं है, अब बंद की जाएंगे यहाँ पे जो सरकारी स्कूल यहाँ पर जो है ये। और यहाँ पे लगभग मंडल की बात कर रहा हूँ मैं, कानपुर नगर हो गया, कानपुर देहात हो गया, इटावा हो गया, औरैया, कन्नौज, फरुखाबाद, यहाँ पर जो लिस्ट जो है ये, यहाँ पर सरकारी स्कूल ज़्यादा हैं और छात्रों की संख्या कितनी है, मात्र 50 भी नहीं है। तो एक बार बताइएगा यहाँ पर जोर दिया गया कि छात्र संख्या बढ़ाओ बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओ कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो पढ़ाना नहीं चाहते हैं अभिभावक जो हैं। तो यहाँ पर बताया गया प्रदेश में जो है खराब प्रदर्शन करने वाले सिर्फ जो 5 विद्यालय हैं, 5 जिले हैं, वो आपको कानपुर नगर हो गया, तीसरे कानपुर नगर, कानपुर देहात है। और यहाँ पर देख लीजिए BSA को नोटिस भी यहाँ पर जो है वो थमा दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए BSA के क्या करते रहते हैं। अब इन शिक्षकों को जो है 300 छात्रा भी नहीं है और सैलरी आप सभी जानते हैं 50,000 से ऊपर मिल रही सबको, यहाँ पर 60,000, ठीक है, और पढ़ाते कुछ नहीं है। तो इनको जो सरप्लस होंगे और ये टीचर जो है ये दूसरे स्कूलों में के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये इसको ट्रांसफ़र किए जाएंगे वहाँ पर जो है। और यहाँ पर बताया गया इसमें जो है कि यहाँ पर जो है कानपुर नगर, कानपुर देहात के अंतर्गत साथ फरुखाबाद, इटावा और ये, यहाँ पर जो है ये 50 छात्र भी नहीं है स्कूलों के अंतर्गत, तो वहाँ पर स्कूल जो है बंद किए जाएंगे यहाँ पर जो है। और ये जो लगभग आज का समाचार पत्र यहाँ पर बताया गया 408 प्रसिद्ध विद्यालय हो सकते हैं बंद। शासन ने जो है 50 से कम छात्र वाले स्कूलों की मांगी सूची, अगर 50 छात्र पूरे स्कूल में नहीं है तो भाई स्कूल को बंद कर दिया जाए। प्राइवेट में आप सभी जानते हैं एक क्लास में कम 40-40, 60-60 बच्चे तक होते हैं प्राइवेट स्कूलों के अंतर्गत। और यहाँ सरकारी स्कूल में जो 408 ऐसे जो स्कूल हैं जहाँ पर जो है ये 50 छात्र भी नहीं है, नज़दीकी स्कूल में उनको जो है वो समझित ही होंगे, यहाँ पे छात्र छात्र जितने भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बता दिया गया इसमें जो है ये बात करेंगे यहाँ पर जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के से यहाँ पे एक खबर निकल गई, यहाँ पे 10,730 रुपये सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पे जो कनिक सहायक के पदों पर वैकेंसी चल रही है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया इसमें जो तृतीय श्रेणी यहाँ पे देख लीजिए, तृतीय श्रेणी कर्मचारी कनिक लिपिक की संविदा पर भर्ती यहाँ पर जो ये यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पे जो 18 से जो है 40 साल इसमें जो है उम्मीदवार इसमें जो आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये 30 मई 2024 को 18 से 40 के बीच में इसमें उम्र चाहिए। और आप सभी जानते हैं क्लर्क बनने के लिए CCC का जो है सर्टिफिकेट तो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, और इंटरमीडिएट आपने पास कर रखी हो 12th क्लास, तो यहाँ पे ये फॉर्म भर सकते हैं। 10,000 की सैलरी करके घर में नौकरी है, अगर जो इसके आसपास रहते हैं तो ये फॉर्म डाल सकते हैं। लखनऊ के आसपास के रहने वाले लोग इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। 10,730 रुपये सैलरी, 10,500 के आसपास सैलरी है, इसके अंदर फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म आपको ये जो है मैंने डाउनलोड कर लिया था। और यहाँ पर देख लीजिए जनपद लखनऊ में स्थित जो है EDR सेंटर जिला प्राधिविधिक विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ में जो है तृतीय श्रेणी कर्मचारी कनिष्ठ लिपिक संविदा के आधार पर नियुक्ति की ना बोला गया है। और आवेदित पद जो है कनिष्ठ लिपिक है, ठीक है। आवेदित यहाँ पर जो आवेदक का नाम वगैरह सब कुछ दिया गया है, ये देख लीजिए यहाँ पर जो है ये बताया गया। इसमें जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अन्य भी यहाँ पर जो है ये सब कुछ यहाँ बताया गया, पूरा ब्यौरा देख लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर उसका सूची यहाँ पर जो नाम लिखा जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा ब्यौरा दे दिया गया है। ये जो है बात करें यहाँ पर जो है पिछले से थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर संविदा पर क्लर्क भर्ती, जो क्लर्क भर्ती कनिष्ठ लिपिक लिपिक जो है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। बात करेंगे यहाँ पर जो पुलिस की डिपार्टमेंट कहने मतलब क्या, पुलिस के जो स्कूल होते हैं वहाँ पर ऑफिस प्योन सैलरी यहाँ पर देख लीजिए 5th क्लास, मतलब क्या है यहाँ पर 5th क्लास पास अगर आपने कर रखा है तो इसके अंदर ऑफिस पे उनके वैकेंसी चल रही है, 9,500 रुपये सैलरी है। और यहाँ पर सफाई कर्मी के अंतर्गत यहाँ पर जो एक सैलरी यहाँ पर जो फीमेल को 9,500 रुपये सैलरी EPF कटेगा, ठीक है। और केवल 5th क्लास पास अगर आपने कर रखा तो उसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर जो है ये। उसी के बीच में यहाँ भाई अकाउंटेंट की वैकेंसी भी निकाली गई है, यहाँ पर देख लीजिए सैलरी यहाँ पर जो है यहाँ पर सैलरी 17,825 रुपये, ये बढ़िया सैलरी यहाँ पर जो आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर जो ग्रेजुएट डिग्री हो और यूपीटेड सीटेड अगर कर रखा तो। ये TGT के लिए बता रहा हूँ, ये तो ये देखो भैया वही अकाउंटेंट के लिए कोई इसमें कुछ नहीं, केवल BCom चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए बस, केवल अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर जो यहाँ पर देख लीजिए इसमें बायोलॉजी है, फिजिक्स फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये 24,525 रुपये सैलरी यहाँ पर, मास्टर डिग्री इस जो है रेगुलेटेड सब्जेक्ट BEd है ना, और साथ में डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और TGT के लिए केवल और केवल मैथ्स होना चाहिए, मतलब BSc BEd और CTET, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्म कहाँ से निकाला गया है ये देख लीजिए, यहाँ पर जो पुलिस मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है ये प्रयागराज को लंदन में नहीं, आप सभी जानते हैं CBSE से एफिलेटेड है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट यहाँ पर जा
भैया आप भैया आ चुकी है यहाँ पर। इलाहाबाद के आसपास के रहने वाले जो है, ये धूमगंज का नाम सुना ही होगा प्रयागराज के आसपास, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म चल रहा है अभी जो है, इसकी लास्ट डेट अभी चल रहा है। मैं आपको अभी इसकी जो है वो लास्ट डेट अभी दिखाऊंगा, उससे पहले पहले एवेल्यूशन, इसमें जो एवेल्यूशन फॉर टीचर विल बी डन बाय द मार्क, इसमें जो है मेरिट लिस्ट वगैरह यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो 20 जून 2024 को ये जो आप जो इसकी लास्ट डेट है, आपने डॉक्यूमेंट पीडीएफ बना के सेंड कर दीजिए। अभी दो ईमेल आईडी पर यहाँ पर लिखा हुआ है, फुल डिटेल पोस्ट वगैरह है, फोटो कप लगा के यहाँ पर जो है ये। इसके बाद यहाँ स्कूल की जो साइड पे यहाँ पे जो है ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा फॉर्म भी मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई इसके अंदर फॉर्म ये भर दीजिएगा, अच्छी वैकेंसी यहाँ पर जो है ये। और ये देख लीजिए फॉर्म ये है, मैंने इसको जो ऑफिशियल साइट से उठाया था, जो मैंने आपको दिखाई थी ऑफिशियल साइट, अभी जो है वेबसाइट वहाँ से पुलिस मॉडर्न स्कूल जो है धूमगंज प्रयागराज, तो ये वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म मैंने अभी जो है पूरा फॉर्म स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरे शॉर्ट फॉर्म का ही तो है ये। और यहाँ पे देख लीजिए, इसमें एसएससी की तरफ से यहाँ पे जो बताया गया था, इसमें जो है अर्धसैनिक बलों में जो कांस्टेबल भर्ती के बढ़ गए जो 20,471 पद, तो एसएससी की तरफ से यहाँ पे नवंबर दिसंबर जो वैकेंसी आई थी 2023 में लिए गए थे, इसमें ऑनलाइन आवेदन पहले जो है 26,146 पद घोषित किए गए थे, अब जो है 46,617 पद यहाँ पर जो है। तो कहने मतलब क्या, अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल भर्ती के पद जिसमें बढ़ जाएंगे, तो ये देख लीजिए। तो आपने फॉर्म भरा होगा तो आपके फॉर्म पद बढ़ गए हैं। अभी जो है मेरे पर लड़के कमेंट कर रहे हैं, सर आप जो है रिप्लाई का मतलब एक तरीके कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो, तो भाई देख लीजिए इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ कब तक आएंगी क्लर्क भर्ती एडिट कॉलेज के अंतर्गत डिग्री कॉलेज में। देखो भाई एडिट कॉलेज के अंतर्गत मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट की और सरकार की, मैनेजमेंट चाहता है अपने हिसाब से भर्ती करेंगे, सरकार चाहती है हम जब सैलरी देंगे तो अपने हिसाब से भर्ती करेंगे, हम पैड क्वालिफाइड कैंडिडेट इसमें अप्लाई लगाएंगे। तो कोर्ट केस चल रहा था, पर उधर शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अगर बन के तैयार हो गया, अगर भर्ती UP SSC से आती है तो भाई इसके अंदर पैट लगेगा, UP SSC भर्ती नहीं आती तो शिक्षा सेवा चयन आयोग से आती है तो पैट नहीं लगेगा। और इसके बारे में जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, जब टीचर की वैकेंसी शिक्षा सेवा चयन आयोग से आती है तो इसकी भी वैकेंसी आना चाहिए यहाँ पर जो है, तो पैट नहीं लगेगा। क्लर्क भर्ती ओल्ड वाली बहुत जल्द इसमें हो जाएगी, पुरानी क्लर्क भर्ती, ठीक है। इसमें देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से बता रहे हैं, सिर्फ चुनाव में जो है पेपर में आता है, ऐसी बात नहीं है, पेपर के बाद बाद भर्ती होती भी है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए विकासखंड प्रयोजन, इसके बारे में जानकारी मैं सुबह की वीडियो में दे चुका हूँ यहाँ पर जो है ये। इसके बाद जो है ये देख लीजिए, इसमें जो है रघुनाथ क्रम सर प्रेजेंट टाइम में कृष्ण इंटर कॉलेज में लेक्चरर भर्ती की प्रक्रिया क्या रहती है, मैनेजमेंट तरीके से भर्ती है यार। एक बताइए, जो माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं, क्रिश्चियन के हो गए, मुस्लिम भाइयों के हो गए, तो माइनॉरिटी कॉलेज के जो होते हैं तो वहाँ पर जो सीधी भर्ती होती है उसमें बिना किसी एग्जाम के सैलरी सरकार देती है। उसके बारे में मैं जानकारी आपको मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिए, स्पेशल वीडियो बना हुआ है यहाँ पर जो है ये, बस केवल कैरियर प्लस आप डाल दीजिए, इसके बाद जो है माइनॉरिटी स्कूल, ठीक है, मेरा वीडियो खुल जाएगा यहाँ पर देख लीजिए। नगर निगम सभा कर्मचारी भर्ती कब तक आएगी, अब सरकार बनी हुई है अभी नई नई, इसके बाद जो है काम शुरू हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर भाई कुछ रिप्लाई करिएगा, इलाहाबाद से मिलने आ रहे हैं भाई। यार मैं इलाहाबाद, मैं यहाँ इलाहाबाद में रहता नहीं हूँ, इलाहाबाद में पहला मैं 2 साल पहले था पर अब नहीं हूँ, ठीक है। मिलने के लिए आपको जो है डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी आना होगा, ठीक। और चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल के प्लस। थैंक यू वेरी मच।